एक चम्मच गोबर। अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है एक चम्मच गोबर। नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, सीजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी जो मम्मी है, तो हम लोग 9 भाई बहन हैं, 9 की 9 डिलीवरी, 9 की 9 बार नॉर्मल डिलीवरी हुई, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी को, मेरी 5 बहनें हैं, कभी किसी की सीजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। मेरी भाभियां भी हैं, किन्हीं की सीजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। तो नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी अगर हम गाय को उचित दर्जा देंगे, उचित सम्मान देंगे और गाय के गोबर का उपयोग करेंगे, उससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक चम्मच गोबर। अगर हम एक चम्मच गोबर खा लेते हैं तो हमारा तन मन पवित्र हो जाता है, हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है, और ये अगर एक बार एक तरह से हमारे गर्भ में चला गया तो पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है एक चम्मच गोबर। नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, सीजेरियन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी जो मम्मी है, तो हम लोग 9 भाई बहन हैं, 9 की 9 डिलीवरी, 9 की 9 बार नॉर्मल डिलीवरी हुई, कभी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी को, मेरी 5 बहनें हैं, कभी किसी की सीजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। मेरी भाभियां भी हैं, किन्हीं की सीजेरियन डिलीवरी नहीं हुई। तो नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी अगर हम गाय को उचित दर्जा देंगे, उचित सम्मान देंगे और गाय के गोबर का उपयोग करेंगे, उससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। गाय का क्या वैज्ञानिक महत्व है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो गाय का जो दूध होता है, उसमें 1 क्विंटल दूध में 1 मासा सोना होता है, 1 मासा स्वर्ण होता है। वो जो स्वर्ण है, उसकी बड़ी औषधीय प्रॉपर्टीज होती हैं। आयुर्वेद में तो सोना बड़ी सारी दवाइयों का एक पार्ट है। तो वो सोना कैसे मिलता है हमें गाय से, ये देखिए। ये जो गाय का कूबड़ है, गाय के कूबड़ में के पास से होती हुई सूर्य नाड़ी और केतु नाड़ी होती जाती हैं। जैसे मानव जाति की कमर में से ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती जाती हैं, ऐसी सूर्य केतु नाड़ी होती है। ये ब्रह्मांड में से ऊर्जा लेके, सूर्य में से ऊर्जा को लेके, और उसको एक कैरोटीन जैसे, विटामिन डी जैसे पीले रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देती हैं। वो पदार्थ दूध से होता हुआ हमें मिलता है, और उससे हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ती है, हम लोग निरोगी रहते हैं। तो इसलिए ये एक तो लाभ है। एक गाय के दूध से जो घी बनता है, वो घी अगर हम एक उपले के ऊपर डाल के 1 तोले घी को जलाएंगे तो उसे 1 टन ऑक्सीजन निकलती है, जो कि पर्यावरण के लिए बड़ी लाभदायक है। चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, कोई कितने भी एक पर्यावरण की बात करते हो, इकोलॉजी की बात करते हो, लेकिन भारत जैसा इकोलॉजी का जो मेंटेनेंस है जैसे यहाँ पे होता है, ऐसा कहीं हो नहीं सकता। और फिर जो गाय के दूध से बनी दही है, उसको भी पचाना बड़ा आसान होता है। फिर जो गाय का गौमूत्र है, गौमूत्र भी बड़ा ही पावन, पवित्र और शरीर को निर्मल करने वाला होता है, उसे बड़ा लाभ मिलता है। और फिर गाय का गोबर भी रेडिएशन को दूर करने वाला होता है। आजकल मोबाइल हम समय समय पे यूज़ करते हैं, घर में फ्रिज चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो उनसे भी जितना रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन को दूर करने वाला है। और जो ज़मीन को लीपते हैं गाय के गोबर से, तो इसे भी रेडिएशन दूर होता है, शुद्धि होती है, पवित्रता आती है वातावरण में। तो मैं चाहता हूँ कि गाय के पंचगव्य का, सभी चीज़ों का खुल के उपयोग करें, और गाय को उसका सम्मान का दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसका कि केवल गाय का यही काम है कि वो हमारी रक्षा करेगी। जब हम गाय को रोटी खिलाते हैं हाथ से, तो जो गाय के नथुनों से फुफकार आती है, वो हमारी अंदर तक की आत्मा को पवित्र कर देती है, हमारी ज़मीर को जिंदा कर देती है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें। हमारी भारतीय संस्कृति में तो आया ही है कि पहली गोटी रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को। तो ज़रूर आप गाय के लिए थोड़ा सा अंशदान निकालें। देखिए, जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, अपने इनकम का 10% हिस्सा हम इनकम टैक्स, सेल टैक्स देके हम कहते हैं कि हमारा जो धन है वो अब वाइट हो गया, वाइट मनी हो गया। इसी तरह से थोड़ा सा समय अगर गाय को अपनी शक्ति के अनुसार 1-2 रोटी आके सुबह सुबह देंगे, थोड़ा गुड़ देंगे, तो उससे बड़ा लाभ मिलेगा, और इससे निश्चित रूप से पूरे समाज का उत्थान होगा, क्योंकि इनका तो कल्याण करने का ही काम है। तो ऐसी गाय माता की आप सेवा भी करें, रक्षा भी करें, और अपने जो बाकी जो बचा हुआ जीवन है उसको बिल्कुल निरोगी बना लें। 100 वर्ष तक निरोगी रहने का इससे अच्छा तरीका हो नहीं सकता कि हम प्रकृति के साथ रह के चलें। प्रकृति के जो जीव बनाए हैं, मानव जाति के अलावा बाकी भी जो जीव जंतु हैं, उनके साथ मिलकर चलें, उनके भलाई का काम करते हुए चलें। क्योंकि आजकल सारे जंगलों पे, खेतों पे सारा मानव जाति ने कब्जा कर लिया है, फिर गाय को कहाँ से रोटी मिलेगी। कोई जहाँ भी कोई खुली गाय को देखता तो डंडा लेके भागते हैं लोग कि हमारा खेत ना खा जाए, हमारी सब्जी मंडी की सब्जी ना खा जाए, तो फिर ये क्या खाएंगे। तो इनको ज़रूर समय दें, आएँ और इनकी रक्षा करें। और जो गाय है, ये भारतीय, मेरा तो भारतीय, वैसे मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा भारतीय संस्कृति में बड़ा विश्वास है। गाय जब हम लोग मरते हैं, मरने के बाद में वैतरणी में से पार उतारना हो, तो गाय से अच्छा कोई साधन होता नहीं। गाय ही हमें वैतरणी से भी पार उतारती है। और फिर गाय जो 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो उनमें से आखिरी जो पड़ाव है आत्मा का, वो गाय माता की योनि ही उसका आखिरी पड़ाव है। इसलिए ये देखिए, आज स्पेशली गोपाष्टमी पे
गाय माता की जितना भी आप लोग सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, निश्चित रूप से उसे उसका उतना लाभ मिलेगा। तो इसका लाभ जरूर उठाएं। थैंक यू।